देखो यहाँ से पूरा अंदर जा चुका है, यहाँ से भी और यहाँ से भी पूरा टूट चुका है। तो यहाँ भी टूटा है और ये भी टूटा है, देखो इस पे भी ये भी टूट चुका है, ये भी टूट चुका है, ये भी टूट चुका है। लग रहा है पूरा पंखा डलवाना पड़ेगा। हेलो दोस्तों, जय श्री राम। तो कैसा है आप सब? आशा है कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो बैड न्यूज के साथ चालू करना पड़ रहा है, क्योंकि दोस्तों मैं जब आ रहा था ऑफिस से तो एक्सीडेंट हो गया। आपको दिखाता हूँ, देखो एमटी इधर रखिए। अभी मैं जस्ट आया और इसमें थोड़ा एक्सीडेंट हो गया। बहुत बड़ा नहीं हुआ, छोटा, एक तो भगवान की कृपा है कि ज्यादा बड़ा कुछ नहीं हुआ। लगा नहीं, सिर्फ पैरों में थोड़ा दर्द हो रहा है और बाकी कुछ ज्यादा नहीं। आपको भी दिखाता हूँ एमटी में, देखो ये देखो अपनी गाड़ी यहाँ पे रखिए और ये देखो, ये देखो पूरा कलर यहाँ पे लगा। पहले हेलमेट रख देता हूँ साइड पे, ये तो अच्छा हुआ हेलमेट भी पहना था इसलिए सर में भी कुछ नहीं लगा। ये देखो पूरा यहाँ से पूरा पंखा टूट गया और ये अंदर चला गया, ये देख लो पूरा। ये देखो यहाँ पे उसका कलर भी लगा है और ये पूरा टूट चुका है। देखो ये अंदर टूट के पूरा अंदर घस चुका है पूरा का पूरा। अभी पता नहीं इसका कितना खर्चा आएगा। और यहाँ पे जब हम गाड़ी ऑन करते हैं इसके बाद जो ये आता है ना पूरा, इसमें ये रह गया था, इंजन भी नहीं चालू हो रहा था, गाड़ी पूरी चालू नहीं हो रही थी। बाद में जैसे तैसे मैं लेके गया मैकेनिक के पास, वहाँ जाके ही खुद ब खुद चालू हो गई। पता नहीं क्या हुआ, ये पूरा जो इधर सिग्नल आता है ये वाला, जैसे हम गाड़ी ऑन करते बाद में इधर सिग्नल आता है इंजन का, चालू रह गया था और चालू नहीं हो रही थी गाड़ी। तो देखो ये पूरा गाड़ी का हाल, अभी तक मैंने लेके गाड़ी के सिर्फ एक साल हुआ है और देखो ऐसा हो रहा है। पहले किसी ने यहाँ पे स्क्रैच मार दिया था, ये देखो पूरा यहाँ पे किसी ने स्क्रैच मार दिया था पूरा ये वाला, ये देखो पूरा स्क्रैच मार दिया यहाँ पे किसी ने और अब गाड़ी में एक्सीडेंट हो गया। पता नहीं क्या हो रहा है, ये नंबर प्लेट भी टेढ़ी हो चुकी, देखो इसको भी सीधी करते, ये अंदर घुस चुकी है पूरी। नंबर प्लेट भी पूरी टेढ़ी हो चुकी है और ये पूरा टूट के पूरा अंदर घुस चुका है। ये ऐसा होता है, बाहर ऐसा होता है और ये टूटा और पूरा अंदर घुस चुका है और ये देखो कलर इधर लग चुका है। एक्सीडेंट मेरा टेम्पो के साथ हुआ, एक टेम्पो वाला था, थ्री व्हीलर टेम्पो आता उसके साथ, वो भाई ने देखा ही नहीं और पूरा टर्न मार दिया अचानक से और मुझे ऊपर से बोल रहा है कि भाई तेरी गलती है, तेरी गलती है, और वो मान ही नहीं रहा था। देखो ये पूरा अभी पता नहीं कितना खर्चा आएगा, पूरा गाड़ी को स्कैन करवाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे जो इंजन का था वो सिग्नल वो पूरा इधर ही रहा था। अब पता नहीं पूरा स्कैन करवाएंगे और पंखा कितने में आता वो भी पता नहीं है, देखेंगे अभी इसको लेके चलेंगे। दोस्तों उसकी पूरी गलती थी, मैं तो स्लो अपने 50 या 60 की स्पीड पे आ रहा था और वो भाई ने मतलब अंकल ही थे, बूढ़े जैसे नहीं थे, मतलब एज शायद 50-55 की होगी, देख रहे थे मुझे, खुद बोले कि मैं देख रहा था कांच में, उन्होंने अचानक से पूरा टर्न ले लिया और मैं दोनों ब्रेक मारी, यहाँ की दोनों ब्रेक मारी ऊपर नीचे की आगे पीछे की दोनों ब्रेक मारी, फिर भी घुस गया, मैं कितना संभालता और जाके पूरा टकरा गया। और देखो ये पूरा घुस चुका है, ये पूरा नुकसान हो चुका है और ऊपर से मुझे बोला कि भाई तुझे पुलिस केस करना, पुलिस केस कर, जो करना है वो कर, कुछ भी कर, लेकिन मैं यहाँ से हटूंगा नहीं, पैसे भी नहीं दूंगा, कुछ नहीं दूंगा। फिर मैंने जाने दिया, भाई क्या करेंगे उनको, बूढ़े हैं क्या करेंगे उनको ज़्यादा ज़्यादा। देखो पूरा टूट चुका है यहाँ से, देखो और ये कलर भी लग चुका है। चलो कोई बात नहीं, अभी देखेंगे इसको कितना खर्चा आता है, कुछ भी करेंगे। यहाँ भी इंजन का भी दिखाना पड़ेगा और ये इसका भी दिखाना पड़ेगा, ये तो पूरा एक बार गाड़ी स्कैन के लिए रखनी पड़ेगी क्योंकि इसमें जो इंजन होता है उसका पूरा स्कैनिंग होता है, उसके बाद ही पता चले कि गाड़ी में क्या क्या नुकसान हुआ है, क्योंकि इसमें बहुत सारे सेंसर लगे हैं, कोई भी एक सेंसर बिगड़ा तो गाड़ी बंद हो जाती है, चालू नहीं होती है। तो इसका तो ये आ गया था, बोला था मुझे जब गाड़ी लिया था कि ये चालू रहेगा तो समझ लेना कि इंजन में कुछ लोचा है। तो ये भी नुकसान है, ये भी नुकसान, और किसी ने उधर स्क्रैच बिगड़ा दिया वो भी नुकसान है। साल के दूसरे दिन ऐसा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, भगवान की कृपा से सब कुछ अच्छा रहेगा और मैं बच गया, यही सबसे बड़ी बात है। मुझे कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ पैरों में थोड़ा लगा, वो दर्द हो रहा है और कुछ नहीं। तो चलो अभी अंदर चलते हैं, फ्रेश हो जाते हैं और खाना खा लेते हैं, बहुत भूख लगी है। सुबह से गया 6 बजे, अभी आया 3 बजे, तो चलो अभी चलते हैं घर में और खाना खा लेते हैं। तो आज बना तुअर दाल की खिचड़ी, आलू बैंगन की सब्जी, तो चलो अभी खाना खा लेते हैं। लेकिन दोस्तों मूड नहीं हो रहा खाने का, क्योंकि जो एक्सीडेंट हुआ वो थोड़ा मन में ही चल रहा है, बार बार वही चल रहा है कि क्या किया जाए, वो पंखा पूरा टूट गया, अच्छा नहीं लग रहा है, पूरा मन में बार बार वही रिपीट हो रहा है, वही रिपीट हो रहा है। खाना जा रहा हूँ लेकिन अच्छे से मतलब लग रही नहीं, खा भी पाऊंगा। और दोस्तों जो एक्सीडेंट हुआ थोड़ा जोर से हुआ और पीठ में थोड़ा झटका जैसे लगा, तो बैक में थोड़ा दर्द हो रहा है, हल्का हल्का दर्द हो रहा है, लेकिन ऐसे झुकते तो दर्द हो रहा है, ऐसा हो रहा है। तो चलो अभी खाना खा लेते हैं, उसके बाद गाड़ी का देखना पड़ेगा, अंदर ऊपर जो कलर लगा हटाना पड़ेगा और देखते हैं अभी कब जा पाऊंगा, शोरूम जाना पड़ेगा, पूरा दिखाना पड़ेगा। तो पहले खाना खा लेते हैं। और दोस्तों मैंने खाना खा लिया और देखो माफी यहाँ पे घर के अंदर आ चुका है और ऐसा कब से मुझे देख रहा था, मैं वहां से आ रहा था अभी तो मुझे देख रहा था ऐसे खड़े होके अभी। तो दोस्तों मैंने तो खाना खा लिया, अभी गाड़ी में देखते हैं क्या क्या है।
उस पे जो कलर लगा उसको पहले हटाते हैं, पूरा अंदर घुस चुका है, आगे का जो पंखा है वो जो वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है पूरा अंदर घुस चुका है और ऊपर का थोड़ा टूट भी चुका है, तो थोड़ा उसको सही करते हैं और चैनल स्प्रे भी मारना है और जो कलर लगा उसको हटा देते हैं। तो चलो अभी स्प्रे ढूंढते हैं और चैनल स्प्रे मारते हैं और देखते हैं उस पर कलर छुटाना पड़ेगा। तो दोस्तों मैंने अभी स्प्रे पानी और ये कटका ले लिया, तो अभी चलो उस पर पहले साफ करते जो ब्लू ब्लू लगा है। टेम्पा का जो पार्ट था ना वो घिसा था इस पे तो पूरा लग चुका था, ये देखो ये रहा, इसको भी साफ करते हैं। पूरा टूट चुका है, देखो अंदर जा रहा है पूरा, ये देखो ये पूरा अंदर चला गया, ये वाला पट पूरा अंदर चला चुका है और ये पानी से थोड़ा साफ तो हो रहा है लेकिन घिस चुका है, लगता है अभी खर्चा बढ़ाया आएगा इसमें। तो देखो कलर तो यहाँ पे मैं पूरा छुड़वा दिया, थोड़ा थोड़ा इधर बाकी है, बस इतना बाकी है, इतना तो निकल नहीं रहा है, बहुत घिसा लेकिन निकल नहीं रहा है। और देखो यहाँ से पूरा अंदर जा चुका है, यहाँ से भी और यहाँ से भी पूरा टूट चुका है, यहाँ भी टूटा है और ये भी टूटा है, देखो इस पर भी ये भी टूट चुका है, ये भी टूट चुका है, ये भी टूट चुका है, लग रहा है पूरा पंखा डलवाना पड़ेगा। तो दोस्तों अभी जो था मैंने पूरा कर दिया, इसको बाहर खींचने की ट्राई किया लेकिन ये खींच नहीं रहा है, पूरा लग रहा है हाथ में और ये पूरा बाहर आएगा तो लग रहा टूट जाएगा। तो चलो अभी स्प्रे रखा है तो स्प्रे को अंदर मार देते हैं। तो दोस्तों स्प्रे तो मार दिया, अभी रख देते इसको। और देखो दोस्तों यहाँ पे दादी मस्त लहसुन साफ कर रही है और चश्मा देखो कैसे पहना उन्होंने, दूर लगा के पहना है और हर टाइम वो सीरियल देखती रहती है। देखो कितने सारे लहसुन साफ करने, दादी हर रोज आप लहसुन ही साफ करते हो? पूरे दिन आपको जब भी देखो लहसुन ही ज्यादा साफ करती रहती है। और देखो दोस्तों वहां पे हमारे सामने जो घर है उधर शायद धान की कटाई हुई थी, धान में से दाना निकलता है उसका साफ सफाई चल रही है, तो चलो अभी चलते हैं वहां पे, आपको दिखाता हूँ थोड़ा बहुत। तो ये देखो दोस्तों हमारे गाँव में ऐसा किया जाता है पूरा काम, दाना अलग अलग किया जा रहा है पूरा, देखो हाथ में लिया उसके बाद ऊपर लकड़ी से मारा जा रहा है पूरा, और वहाँ पे जो निकला है उसको साफ करके पूरा अलग अलग किया जा रहा है दाना और वो जो कचरा है पूरा अलग अलग साफ किया जा रहा है, देखो। तो चलो अभी चलते हैं घर पे और बाकी के दोस्त आएंगे उनके साथ क्रिकेट खेलने जाएंगे, मूड तो आज है नहीं ज्यादा इतना। और दोस्तों देखो कौन आया है, देखो हितेश भाई आ चुके हैं यहाँ पे, और कैसे आप, नींद में लग रहे थोड़े अभी, हो क्या है, हो खेलने जाना। और दोस्तों हम लोग आ चुके हैं कल्पेश भाई के घर पे और ये देखो बच्चे सब, और इतने सारे कहाँ से पंखे लेके आए पता नहीं, इतने सारे डंडी और ये है तो कितने सारे यहाँ पे हैं, जो बचपन में ऐसा खेलते थे तो बहुत मजा आता, हवा में उठता था बहुत जोर से, ये तो छोटे छोटे अभी हम तो बड़े बड़े उठाते थे भैया, वहाँ पे ये बना दे इसलिए पंखा सिर्फ ऐसे दोनों हाथों में ऐसे ऐसे करने का अरे ऊपर लग गया ऊपर, ये मुझे ही मार रहा है पीछे, ये भी बच्चा बन रहे हैं, अभी बच्चा बन रहे हैं अभी, ये देखो। लेकिन दोस्तों जीवन में बचपना होना बहुत जरूरी है ताकि हम सब खुश रह सके, ये देखो ये गया उधर। दोस्तों मेरे पास देखो इतने सारे, अभी मैं एक साथ उड़ा के दिखाता हूँ आपको कि उठते कि उठते पता नहीं, एक साथ उड़ाते हैं, देखो दोस्तों एक साथ हमने इतने सारे ले लिए, अब देखते उठते कि उठते, ये एक खतरा कर दिया है दोस्तों, एक भी नहीं उड़ा इसमें से, एक भी नहीं उड़ा, चला गया इसको जल्दी जल्दी अगर उड़ाते तो उड़ता। तो चलो अभी थोड़ी देर के बाद दोस्त आते हैं, चलते क्रिकेट खेलने के लिए। और दोस्तों हम लोग पहुंच चुके ग्राउंड पे और देखो हम लोग ज्यादा नहीं है, एक हितेश भाई है, कल्पेश भाई और मैं हूँ, बाकी कोई अभी तक आया नहीं है। और सूर्यदेव देखो ऊपर है, मस्त चमक रहे और यहाँ पे बकरियां चल रही है, देखो कोई ज्यादा आया नहीं आज, इसलिए छे छे बॉल ही खेले। और दोस्त सब लोग आ चुके हैं, देखो अमित भाई, राम भाई और बाकी सब उधर है, तो अभी उछालेंगे टॉस, हमारी टीम बन चुकी है, देखो इतनी बड़ी लादी निकाल दी है ये काला, इसको बोलते हैं देसी जुगाड़, देखो इंडियन जुगाड़, देखो और आप बोलेंगे डाल रहा हूं काला काला, और ये देखो हर बार की तरह हार चुके टॉस और आ चुके हर बार की तरह फील्डिंग, तो अभी चलते हैं फील्डिंग पे। और दोस्तों टॉस हार कर मैं अभी आ चुका हूँ फील्डिंग पे, देखो यहाँ पे गाय सब चल रही है और वहाँ पे मौसम देखो कितना प्यारा लग रहा है, सूर्यदेव मस्त चमक रहा है, अभी भी शायद इस हिसाब से हम तीन मैच खेल सकते हैं चार ओवर की, और देखो कितना प्यारा मौसम हो रहा है, अब करते हैं फील्डिंग। ओ यॉर्कर गेंद पहली मार दी इन्होंने, देखो। और दोस्तों आपको लगता होगा कि हर ब्लॉग में मैं आपको क्रिकेट क्रिकेट ही बताता हूँ, क्योंकि दोस्तों यही है, हम लोग हर रोज क्रिकेट खेलते हैं और क्रिकेट का ही ज्यादातर आपको ब्लॉग दिखने को भी मिलेगा, कहीं पे मैं घूमने जाओ या कोई फंक्शन ना हो तब तक तो आपको शायद हर ब्लॉग में आपको दिखेगा ही क्रिकेट। तो जो भी क्रिकेट प्रेमी है तो कमेंट जरूर करना क्रिकेट के बारे में। तो दोस्तों अभी चार ओवर में 42 रन बनाना, अभी चलते हैं बैटिंग पे। और दोस्तों हर बार ऐसा होता कि पहली मैच में पहला टॉस हार जाए और पहली मैच भी हार जाए, लेकिन इस बार इतिहास बदल चुका है, हम लोग हार चुके थे टॉस पहली मैच में लेकिन पहली मैच हम जीत चुके हैं, अभी अच्छा लग रहा है। और देखो अभी हमारे आ चुके हैं बैटिंग और सामने मनोज भाई
और उसके सामने मैं निकला हूँ, तो अभी करते हैं बैटिंग। और दोस्तों अभी हो रहा है अंधेरा, और देखो हम सब खेल चुके हैं, देखो सब लोग, अभी अंधेरा हो चुका है, तो अभी बहुत खेल लिया, तो अभी चलते हैं घर पे, फ्रेश हो जाते हैं। तो दोस्तों अभी मैं फ्रेश हो चुका हूँ, मस्त नहाया गर्म पानी से, तब जाके अच्छा लगा। और देखो हमारी एमटी और मैंने हेलमेट ले लिया है, तो अभी चलो थोड़ा चलते हैं। हमारे इधर लेक है भिलाड़ लेक, भिलाड़ सिटी में, तो यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर ही है, तो अभी चलते हैं। वहाँ पे कृतिक भाई है, वो वेट कर रहे हैं, उनसे मिलते हैं। और दोस्तों मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ, देखो सामने आई लव भिलाड़ लेक, ये जो पूरा दिखाई दे रहा है ब्लैक ब्लैक पूरा लेक है, यहाँ से मैंने आपको पहले दिखाया होगा। और वहाँ पे सामने पहाड़ है, अभी तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, देखो कितना मस्त प्यारा लिया पे लिखा है आई लव भिलाड़ लेक। अभी दोस्तों कृतिक आया है, उसका वेट करते हैं, यहाँ पे बैठे हैं थोड़ी देर। ये देखो ये पूरा पानी पानी, यहाँ से पूरा बहुत बड़ा लेक है यहाँ पे, और वहाँ पे रास्ता जाता है, और सामने वो जो लाइट दिखाई दे रही है छोटी सी ये वाली, वहाँ पे पूरा पहाड़ है ऊपर, और ऊपर मंदिर है, किसी दिन आपको उधर लेके जाऊंगा। और वो देखो कृतिक भाई आ रहे हैं, ठंड ज्यादा हो रही है, मुझे भी ठंड लग रही थी, इसलिए मैं जैकेट पहन के आ गया, वो भी जैकेट पहन के आ गया, देखो। और दोस्तों अभी बहुत अच्छा लगा, मैं बैठ के कृतिक भाई के साथ बात किया, वो अपनी गाड़ी पे जा रहे हैं और मैं अपनी गाड़ी पे निकल रहा हूँ, तो प्लान ऐसा बना कि कुछ खाने जा रहे हैं, तो अभी निकलते हैं एमटी, उधर से वो अपनी गाड़ी लेंगे, हम अपनी गाड़ी लेंगे, तो चलते अभी कुछ खा लेते हैं, क्योंकि बहुत भूख लग रही है, अभी बज रहे हैं रात के 9, तो चलो अभी चलते हैं यहाँ से। और दोस्तों हम लोग आ चुके हैं अभी नरौली, और देखो सामने चाइनीज सेंटर है, अभी कुछ चाइनीज खा लेते हैं, और ऊपर देखो जिम है, तो अभी चलते हैं अंदर और कुछ चाइनीज खा लेते हैं। और दोस्तों देखो हमने मंगवाया था ये मंचूरियन नूडल्स, आ चुका है, अभी खाते हैं और बाद में निकलते हैं यहाँ से। दोस्तों हमने अभी खाना खा लिया है, और अभी देखो एमटी इधर खड़ी है, तो बैठते हैं, और इसमें पेट्रोल भी दौड़ाना है, क्योंकि कल से शायद स्काई का पेट्रोल पंप पेट्रोल बंद रहेगा, तो इसमें पेट्रोल पुरवा लेते हैं और बाद में चलते हैं घर पे। और दोस्तों अभी मैं घर पहुंच चुका हूं, और अभी बज रहे रात के 11, ये देखो यहाँ पे थोड़ा कोहरा है, उधर आपको दिख रहा होगा, बहुत ज्यादा नहीं है दोस्तों, बहुत ठंड गिर रही है, बहुत ठंड गिर रही है। और देखो हमारी एमटी यहाँ पे, हमने पेट्रोल भी डला दिया, क्योंकि मुझे जैसे न्यूज मिली कि कल से शायद स्ट्राइक पे है, सब पेट्रोल पंप बंद होने वाले, पेट्रोल शायद नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने पेट्रोल भी डला दिया। और ये देखो ये जो हुआ था एक्सीडेंट का, वो ऐसा का ऐसा ही है, देखते हैं अभी क्या होता है इसका। वैसा आज हुआ, मैं पहली बार बहुत अजीब ऐसा लग रहा था, बहुत खराब फील हो रहा था, लेकिन क्या करें, अभी जो होना तो हो गया। इससे ज्यादा मुझे खुशी इस बात की है कि मुझे छोटी सी खरोच भी नहीं, क्योंकि भगवान की कृपा है मेरे पे, सिर्फ ये नुकसान हुआ उतना, और नंबर प्लेट थोड़ी टेढ़ी हो गई थी। चलेंगे सर्विस स्टेशन में, दिखाते क्या क्या होता है इसमें, कितना खर्चा आता है। तो चलो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पेंड करते हैं, अगर आप इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।